हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ स्वाति और आज हम देखने वाले हैं अखंड मूवी का मास इंटरवल फाइट सीन। तो आप लोग रेडी हो ना मेरे साथ देखने के लिए, क्योंकि ये मूवी जो है उसमें बहुत अलग अलग सीन हैं जो नए नए हैं। तो अभी मुझे बहुत एक्साइट हो रहा है कि ये सीन अभी मुझे देखना है। अभी बहुत लोगों ने बताया तो मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि अभी सबके नाम मुझे याद नहीं है। पर जिन्होंने भी बताया कि ये मूवी देखो, सजेस्ट किया पूरा मूवी देखो, बहुत अच्छा है, उन सबको थैंक्स। स्पेशली उनके लिए है ये मूवी के सारे वीडियोस। तो आप लोग रेडी होना, उनके लिए भी सबके लिए है, आप लोग बुरा मत लगाना, ठीक है। रेडी होना देखने के लिए, तो चलो देखते हैं। बच्ची को अनकॉन्शियस स्टेट में गए बहुत टाइम हो गया है। अगर ये जल्दी ही होश में नहीं है तो इसकी जान को खतरा पड़ सकता है। हमें इसे इमीडिएटली बैंगलोर शिफ्ट करना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, बेटे को पुलिस ले गई है। बैंगलोर कैसे जाएंगे? मिस्टर रामचंद्र जी, अगर मुरली यहाँ पे था तो पक्का करता कि बच्चे की जिंदगी बची रहे, लेकिन हम बच्चे के लिए वैसा नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं कौन हमें रोकता है। चिंता छोड़ो, आप जाओ भाभी।
लगी हो, चलो ढूंढो। ओह माय गॉड, के कहा जाएगी उसे और लड़की को मार डालो। आयुष्मान भव। Whoa!
जिसकी आंखों में सूर्य का तेज है, जिसकी सवारी नंदी है, जिसके गले में सर्प लिपटा रहता है, राक्षसों का नाश करने वाला शिव हूं मैं। सीरियसली मेरी यार गाइस हार्ट बीट अभी बढ़ गई है यार। क्या क्या सीन थी, क्या डायलॉग, ओ माय गॉड यार। सीरियसली मैं यार बहुत नए नए एपिक सीन है, ये सारे सीन एपिक है। पहली बार देखे लाइफ में यार, इतने मूवीज देखते रहते हैं, इतने क्या कौन से सीन देखे। जो जैसे भी नई नई मूवी आता है इम्प्रूवमेंट होता है, कुछ नया ही देखने को मिलता है। ओ माय गॉड यार सीरियसली मैं यार, ये डायरेक्टर के माइंड कैसे होते, क्या क्या सोचते और क्या क्या बनाते हैं। ओ माय गॉड यार, हमने तो कभी देखा ही नहीं, सोचा भी नहीं होता है, और देखने को नया नया कुछ अलग ही देखने को मिलता है समथिंग। ओ माय गॉड यार, लाइक जब पहले आर देखा तब लग, ओ माय गॉड यार बहुत बढ़िया मूवी है, इसके आगे कुछ नहीं फिकालता रहा है। ओ माय गॉड, और अभी ये तो उससे भी बहुत अलग अलग सीन है इसमें भी। ओ माय, क्या क्या और कैसे कैसे सीन है यार। और फाइट तो बॉस एक नंबर फाइट है यार, इसको पूरा डिस्क्राइब करने बैठेंगे ना एक एक सीन को तो ये पूरा मूवी बन गया ना, इतना टाइम लग जाएगा। ओ माय गॉड यार, क्या क्या सीन थे वैसे, पर बहुत बढ़िया था यार। देखते देखते तो वैसा हो गया यार, मुझे पता ही नहीं, मैं मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे ही थम गई, वैसे हार्ट बीट वो जैसे स्टॉप हो गए ना, वैसा ही लग रहा था मुझे यार। और साक्षात शिव जी, ओ माय गॉड यार, और जब वो जो पूरी चैन थी वो उनके पाँव में लिपट गई, और फिर वो बच्चे जैसे झाकर शिव जी की गोद में ढल गई, और जो ब्लड गिरा था उससे वो जो हमारे शिव जी उनके यहाँ पे लग गया, साक्षात शिव जी उनको बचा नहीं आ गया। और वो भी क्या फाइट की त्रिशूल यार, क्या वो स्लो मोशन वाले और सारे सीन वो एकदम एपिक सीन है। ओ माय गॉड यार, अभी पूरे दिमाग में वही घूमते रहते हैं, बहुत पसंद आया मुझे। थैंक यू सो मच यार ये मूवी सजेस्ट करने के लिए, मैं बहुत मज़ा आ रहा है यार अभी मुझे, और कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नए आइडियाज़ मिलते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। और सैल्यूट है हमारे वैसे डायरेक्टर, जो सबको लगता है कि हॉलीवुड है उसमें सारे सारे डायरेक्टर और एक्टर्स वहाँ पे भरे हैं, पर नहीं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, और ये अभी हमें देखने को मिलते हैं नए नए। अभी जो भी साउथ के मूवी आ रहे हैं वो एकदम नए होते हैं, नए और एपिक सीन होते हैं उसमें। ओ माय गॉड यार, आप देखते ही बोलो ओ माय गॉड, ऑब्वियस ऑसम, बहुत बढ़िया सीन होते हैं उसमें, और एक से एक डायलॉग भी वैसा होता है, और सीन उनका कैसे शूट किया होता है बहुत बढ़िया यार। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और हाँ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।